स्टूडेंट्स बीए पार्ट फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट की क्लास में आज हम आगे का टॉपिक पोस्ट प्रिविलेजिव यानी कि उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा था, व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक महत्वपूर्ण युगांतकारी घटना है। घटनाएं कहेंगे या हम एक नया तरीका है राजनीति को समझने का, जहाँ अध्ययन का जो तरीका था, जो राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा या राजनीतिक संस्थाओं की बजाय मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर अपना समस्त अध्ययन केंद्रित करता है। आज की कक्षा में हम उसका अगला चरण या अगला कदम उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। हमने देखा था व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन माने जाते हैं, और वही एक ऐसे विचारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं जो अपने ही द्वारा रचित व्यवहारवाद पे कठोर प्रहार करते हैं और उसकी आलोचना करते हुए आगे की ओर व्यवहारवाद को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक की हम बात करें तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद पर खुद ने ही प्रबल प्रहार करने प्रारंभ कर दिए। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो 65वां अधिवेशन हो रहा था, उसके अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ या राजनीतिक जो विचारक हैं वो अपने अध्ययन को कठोर वैज्ञानिकता की ओर ले जा रहे हैं और ये जो स्थिति है इसको बदलना होगा, और इस नई स्थिति को या अगले कदम को उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। ईस्ट ने तर्क दिया कि अभी तक 1960-70 के दशक में बहुत सारा व्यवहारवादी अध्ययन हो चुका है, बहुत अनावश्यक अनुसंधान रिसर्च हुए हैं, और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो जनरली अपने बड़े बड़े परिसर में बैठ करके अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ करके स्टडी करते रहे हैं और राजनीति को अधिकाधिक रूप से वैज्ञानिक अध्ययन उसका कर रहे हैं, लेकिन कभी भी या ज़्यादातर उन्होंने फील्ड वर्क की ओर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इसी समय जो बाहरी दुनिया है वो अलग अलग तरह के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों से जूझ रही है। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद न्यूक्लियर बम का जो खतरा है वो पूरी दुनिया में चारों ओर मंडरा रहा है, जिससे परमाणु शस्त्रों की जो खोज है या होड़ प्रारंभ हो गई है। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद जैसी रंगभेद जैसी नीतियाँ बढ़ रही हैं, जिससे गृह युद्ध जैसी स्थितियों की नौबत भी आ सकती है या तानाशाही व्यवस्था का जोर बढ़ रहा है। वियतनाम की लड़ाई इधर हुई है, मतलब पूरे विश्व का जो वातावरण है या हम कहें कि पूरे विश्व की जो नैतिक चेतना है इस समय झकझोर हुई हुई है या बुरी तरह बिगड़ी हुई है, और ये जो सारी परिस्थितियां पूरी दुनिया के अंदर इस समय हो रही हैं इसके बारे में कोई भी पूर्व सूचना किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने नहीं दी है, यानी कि चारों तरफ जो विश्व में भी परिदृश्य चल रहा है उसके बारे में कोई अनुमान या कोई पूर्व स्थिति हमको मालूम नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तक के रूप में डेविड ईस्टन ये कह रहे हैं कि हमारे ऐसे सारे अनुसंधान का क्या फायदा है जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं रख रहा है, यानी कि हमने राजनीति के अध्ययन में जो बिहेवियरल स्टडी प्रारंभ की है या मनुष्य का राजनीति पॉलिटिकल बिहेवियर की जो हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी का कोई फायदा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और संपूर्ण विश्व चारों तरफ सामाजिक राजनीतिक आर्थिक नित नई समस्याओं से जूझ रहा है, यानी कि हमारे अध्ययन की कोई उपादेयता ही नहीं है यदि हम तीव्र राजनीतिक संकटों से पूरे विश्व को दुनिया को नहीं बचा पा रहे हैं। व्यवहारवादी का जो अगला चरण है जिसे उत्तर व्यवहारवाद की हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि हमने जो परंपरावादी राजनीति का अध्ययन है उसको पुनः स्थापित तो नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी परंपरागतता की जो कुछ विशेषताएं हैं उसको अपने अध्ययन में शामिल करना होगा। वो आप कह रहे हैं कि हमें राजनीति विज्ञान में नए क्षेत्र
क्षितिज या नए एक अध्ययन की ओर बढ़ना होगा। और ये जो अध्ययन है न तो ये परंपरागत के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, न ये कोई क्रांति है, बल्कि एक रिफॉर्म है, सुधार आंदोलन है, यानी कि ये व्यवहारवाद का अगला चरण है, जहां वह परंपरावाद को छोड़ के नहीं अपितु परंपरावादी अध्ययन की विशेषताओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन की दो प्रमुख मान्यताएं या दो नारे हैं। पहला है प्रासंगिकता, यानी कि रेलेवेंस, कि हमारा जो भी अध्ययन होता है राजनीति के अंदर, हम जो भी अध्ययन करें वो प्रासंगिक होना चाहिए, उसके सामाजिक और राजनीतिक सरोकार होने चाहिए। दूसरा नारा उनका है एक्शन, कर्म या कार्रवाई करना, यानी कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट को अब अपने अध्ययन में मात्र आंकड़ों का या अनुसंधान का कोई अंबार नहीं खड़ा करना है सूचनाओं का, बल्कि फील्ड के अंदर आकर के एक्शन करना होगा और अपने अध्ययन में जो हमने करा है यानी कि निदान प्रस्तुत करने होंगे। यदि हमारे सामने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बीमारियां आ रही हैं तो उनको डायग्नोस करना होगा और उनके निदान सोसाइटी को देने होंगे, तभी हम अपने अध्ययन को रेलेवेंट बना सकेंगे, जिसे उन्होंने क्रीडो ऑफ रेलेवेंस नाम से पुकारा है, जिसे हम हिंदी में प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवाद के साथ साथ उत्तर व्यवहारवाद के भी प्रणेता हैं, वो उत्तर व्यवहारवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं मान्यताओं को इंगित करते हैं कि वो किस प्रकार से व्यवहारवाद से इसको डिफरेंट करते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि अब राजनीतिक अनुसंधान में टेक्नोलॉजी का महत्व तो उतना नहीं है जितना कि व्यवहारवाद में था, अपितु अब कंटेंट यानी कि सार भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यदि टेक्नोलॉजी या तकनीकी की दृष्टि से कोई अनुसंधान हो सकता है, बहुत अच्छे लेवल का हो, एक हाई उच्च कोटि का हो, किंतु अगर कोई भी रिसर्च हमारी अगर हो रही है वो अगर समसामयिक समस्याओं का समाधान ना करे तो इससे बेहतर होगा कि हम उसे किनारा कर लें। तो पहला पॉइंट क्या क्लियर होता है कि उत्तर व्यवहारवादी अपने अध्ययन में तकनीक के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंटेंट और सार तत्व को भी इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं। दूसरी बात उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अब सोशल जो साइंटिस्ट हैं या जो भी हमारे राजनीति विधि सिद्धांत वेत्ता हैं, उन्हें सोसाइटी की जो दिशा है उसको पहचानना होगा, यानी कि अब उन्हें अपने आपको तथ्यों के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं करना है, अब उन्हें राजनीति विज्ञान में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो सोशल चेंज हो रहे हैं, उसकी ओर भी देखना चाहिए। इसलिए अपने अध्ययन को सामाजिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके देखना चाहिए कि सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इसकी दशा और दिशा पर चिंतन अनिवार्य है। नेक्स्ट बात जो डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीति के का जब स्टडी हो रही है तो राजनीति की जो क्रूर यथार्थताएं हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है, क्योंकि जनरली व्यवहारवाद ने अपना अध्ययन क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट करा कर रहे हैं या एनालिटिकल करते हुए जो पॉलिटिक्स की जो क्रूर यथार्थताएं थी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। इस क्योंकि पूरा जो विषय है उसके सामने अनेक संकट हैं, संघर्ष हैं, चिंताएं हैं, और अगर हमने उनसे उभरने की कोई तरकीब निकालेंगे तो ही हमारे विषय की उपाधेयता है, नहीं तो हमारे राजनीति विज्ञान के विषय का क्या उपाधेयता होगी और पॉलिटिकल साइंटिस्ट का दायित्व भी क्या होगा। तो यानी कि अब जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं या हमारे चारों तरफ दुनिया, हमारे जो जो बिल्कुल क्राइसिस हो रहे हैं या जो क्रिटिक पोजीशन के अंदर इस समय जो पॉलिटिक्स है, उस क्रूर यथार्थताओं को हमको राजनीतिक सिद्धांत वेत्ताओं को उनका अध्ययन करना होगा। अपने अध्ययन को आगे ले जाते हुए डेविड ईस्टन ये भी कहते हैं कि व्यवहारवाद ने सोशल वैल्यूज़, यानी हम तो को देखते हैं कि व्यवहारवादी ने अपने अध्ययन में
मूल्य परंपरागत अध्ययन की जो एक प्रमुख विशेषता थी मूल्यगत अध्ययन, उसको बिल्कुल पीछे धकेल दिया था। जबकि अब उत्तर व्यवहारवाद में डेविड स्टर्न स्वयं कह रहे हैं कि अब हमें अपने अध्ययन में सामाजिक मूल्यों को स्थान देना होगा, क्योंकि हमारा जो समझ ज्ञान की जो आधारशिला है वो किस पर टिकी हुई है, वैल्यूज पर टिकी हुई है। क्योंकि ये यदि मूल्यों मूल्य हमारे लिए क्या एक प्रेरणा शक्ति है, और यदि हमारी प्रेरणा शक्ति नहीं होगी तो हमारा जो समस्त ज्ञान है वो धराशायी हो जाएगा। क्योंकि राजनीति में मूल्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और विज्ञान के नाम पर हम मूल्यों का बलिदान नहीं कर सकते हैं, या फिर राजनीति के अध्ययन को मूल्यों से दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें ज्ञान का उपयोग उचित साध्यों की सिद्धि के लिए करना है तो मूल्यों को फिर से राजनीति विज्ञान के हृदय में स्थान देना होगा, और इस प्रकार से हम वापस से परंपरावाद की ओर नजदीक आ जाते हैं। आगे की क्लास के अंदर हम इसी अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।